धार जिले के कारम डैम लीकेज मामले में सियासी बयानबाजी जारी है। अब पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो ने कारम डैम निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डैम निर्माण के दौरान मिट्टी का परीक्षण नहीं किया गया और ना ही किसी भी प्रकार की कोई जांच की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री ने यह कहा कि डैम के रिसाव से 100% आदिवासी प्रभावित हुए हैं, लेकिन प्रभावितों को सरकार की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं दी गई है। जो भ्रष्टाचार का अड्डा था, जो ई टेंडरिंग के अंतर्गत आया था, जिसको शिवराज चौहान की सरकार ने ही स्वीकार किया था।